अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेल्ट की शलवार का साइज लेने का तरीका और बेल्ट की शलवार कट करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, यह हमारा सिया हुआ शलवार है और इस कपड़े में हमें कटिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई किस तरह लेते हैं, ऊपर शोल्डर के पास, सॉरी ऊपर नेफे के पास इस तरह हम टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ बॉटम के पास लेंगे। तो इस तरह देखिए, ये 41 इंच की शलवार है, इसकी जो लंबाई है ये 41 इंच है। अब इसके बाद हम पैचे लेते हैं, तो पैचों को भी हम अच्छे से इस तरह रख लेंगे और पैचों का साइज ले लेंगे। देखिए, ये जो पैचे हैं इसके, यानी कि बॉटम इसे बोलते हैं, ये 8 इंच है, तो इसे हम नोट कर लेंगे नोटबुक में। अब इसके बाद लेंगे हम किस्तक, तो किस्तक की जो नेफा है, हम देखिए किस्तक यहाँ पर हम नेफे के पास रखेंगे और बीच के सेंटर में जहां पर रुमाली होती है, तो ये हमारी किस्तक 18 इंच है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। इसके बाद लेते हैं हम बेल्ट की लंबाई और बेल्ट की चौड़ाई, तो ये इस तरह ओपन कर लेंगे शलवार को और ये ऊपर नेफे के पास से। देखिए, इसका बेल्ट 8.5 इंच है, लेकिन ये बहुत लंबा है, हम 7 इंच का बेल्ट लेंगे, यानी कि हमारा बेल्ट इतना होगा 7 इंच का। अब ये बेल्ट की चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई हम इस तरह लेंगे, बेल्ट की चौड़ाई हमारी है 24 इंचेस, तो इस तरह बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं। अब इस तरह ये तरीका हो चुका है बेल्ट की शलवार मापने का। और इसके अंदर अगर आपको चौड़ाई भी देखना है तो चौड़ाई भी इस तरह लेते हैं, एक हिस्सा यानी कि जो बॉटम का एक हिस्सा है इसे खुला रखेंगे और इसे रुमाली के पास से देखिए इस तरह, ये 20 इंचेस है, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी जो विड्थ है वो 20 इंचेस। आप 20 भी ले सकते हैं या फिर 22 इंचेस भी ले सकते हैं। तो देखिए, यह हमारा कपड़ा है, 2 मीटर से ऊपर है, ये 2.25 मीटर है, इसे 4 फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। 4 फोल्ड कर लिया है हमने इसे, लेकिन कभी भी हम उल्टे कपड़े पर डायग्राम डालते हैं तो इसे हम उल्टा करते हुए बिछाएंगे। इस कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे, देखिए इस तरह हमने 4 फोल्ड करके उल्टा करके कपड़े को बिछा लिया है। यह खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, अब हम इसे एक बराबर कर लेंगे, कपड़े को कट करके पूरा कपड़ा हम एक जैसा कर लेंगे, इसमें कपड़ा छोटा बड़ा होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा बेल्ट 7 इंच का रेडी आना है, तो हम 6.5 इंच का टेप ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। ये टेप मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बेल्ट आती है, देखिए इस तरह 6.5 इंच का टेप हमने ऊपर की तरफ छोड़ना है क्योंकि 7 इंच का बेल्ट हम ले रहे हैं, तो ये 1/2 इंच हमारा सिलाई करने के लिए जाता है। अब इसी तरह टेप को छोड़ते हुए हम लंबाई लगाएंगे, 41 इंच पर लंबाई का निशान लेंगे, तो 41 इंच पर मैंने इस तरह निशान बना लिया है। अब इस निशान पर बॉटम ले लेंगे, बॉटम है इनका 8 इंच, तो 8 में हम माया 1 मिलाकर 9 इंच लेंगे। तो देखिए इस तरह मैं 9 इंच पर इसे रुका रही हूँ और नीचे की तरफ 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम बॉटम मोड़ने के लिए अंदर की तरफ कपड़े को। तो देखिए इस तरह हमारा ये 1.5 इंच हो गया, तो नीचे का थोड़ा सा बढ़ के लेंगे हम 9.5 ले लेंगे इसे क्रॉस करने के लिए। अगर आप नहीं भी क्रॉस कर रहे हैं तो चलता है, लेकिन ये क्रॉस करे तो इतना मालूम होता है कि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है बॉटम के लिए। अब हम लेंगे, हमारी लंबाई हो चुकी है और बॉटम हो चुके हैं यानी कि पैंचे, अब हम लेंगे किस्तक। तो किस्तक के लिए हम बिल्कुल उसी तरह टेप छोड़ेंगे जिस तरह हमने लंबाई के लिए टेप छोड़ा था, 6.5 इंच का टेप हमने ऊपर की तरफ छोड़ देना है और किस्तक इनकी 18 में 1 मिलाकर 19 इंच लेना है हम, यानी कि 18 इंच सिलाई करके आनी है, तो हम 1 इंच माया मिलाकर 19 इंच लेंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पर किनारे यानी कि पूरा कोर की तरफ लास्ट किस्तक ले लेंगे। अब किस्तक से जहाँ हमने 19 इंच का टिक लिया था वहां से हम स्केल रखते हुए नीचे की तरफ मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह मैं नीचे बॉटम के पास इसे मिला रहे हैं, देखिए ये इस तरह हमारी शलवार का जो नीचे का हिस्सा है वो निकल चुका है। तो अब इस बचे हुए कपड़े में हम
बेल्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे मैंने कट कर लिया है, यानी कि हमारा ये ऊपर का हिस्सा कट हो चुका है। यहाँ पर हम रुमाली लगाते हैं, इसके लिए 19 इंच के निशान पे हमें कट लगाना है। अब इस बचे हुए कपड़े में हम बेल्ट कट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें से दो बदर कपड़े को हटा लेंगे, यानी कि टू फोल्ड कपड़े को हटा देंगे, इसे अलग कर लेंगे। इसके बाद इसे अपने तरफ कर लेंगे और इस पर साइज डालेंगे। तो देखिए बेल्ट हमने 7 इंच की रखी हुई थी इतनी, लेकिन हमें ये रेडी आना है, यानी तैयार 7 इंच की बेल्ट आना है। तो 2 इंच माया मिलाकर हम 9 इंच का निशान लेंगे। तो इस तरह हम 9 इंच, जहां तक हमारा 9 इंच आ रहा है कपड़े में, वहां तक हम 9 इंच टेप को हटाते हुए निशान बना लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने टेप को हटाते हुए 9 इंच का निशान बना लिया है। इसे हटा दिया हमने कट करके, यहां तक हमारा 9 इंच आ चुका है, यहां से यहां तक। इसके बाद यहां से कपड़ा कम है, तो चौड़ाई भी पहले हम ले लेंगे। चौड़ाई हमारी 24 इंच थी, तो हम इसमें 1 इंच माया मिलाकर 25 लेंगे और जो ज्यादा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा टोटल 25 इंच हो चुका है। टोटल ये 25 इंच लिया है हमने। 1 इंच माया क्यों लिया है, क्योंकि ये मोड़ा हुआ कपड़ा है, तो हमें यहाँ सिलाई नहीं करनी है। अब इसके बाजू हमें ज्वाइंट लगाना है, तो जो हमने दो कपड़ों को हटा कर रखा हुआ था, उस कपड़े को हम इस तरह रख लेंगे। इस तरह रखेंगे कि एक बॉक्स उसका शेप आना चाहिए। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं ये किस तरह रखना है, क्या करते हैं इस तरह रख देते हैं, किनारे को मिला देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। किनारा हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक किनारा नीचे की तरफ। तो इस तरह हमारा दोनों किनारे एक दूसरे के बाहर हिस्से में होना चाहिए, और जो क्रॉस कपड़ा है उसे हमें क्रॉस कपड़े को मिलाना है। तो देखिए ये 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे हम, 1/2 इंच ऊपर रखते हुए हम ऊपर भी 25 इंच का माप लेंगे। ये हमारा 25 इंच हो चुका है, और देखिए यहां से हमें 9 इंच लेना है, तो कपड़े को थोड़ा सा और ऐसा रख लेंगे। यहाँ हमारा 9 इंच आ चुका है, तो इसके पास से हम पहले निशान ले लेंगे इस तरह। अब इसे हटाते हुए हम इस ज्वाइंट को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ज्यादा कपड़ा है और यहाँ पर कम, तो ये सही है कपड़ा ज्वाइंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है ना, तो हम इसे कम कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये 1/2 इंच का मार्जिन के साथ बेल्ट हो चुका है। तो अब हमारी ये बेल्ट कट हो चुकी है। बेल्ट हमारी सिर्फ 2 फोल्ड होती है। ये बेल्ट कट हो चुकी है, अब हम रुमाली कटिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए मैं इस कपड़े को ओपन कर रही हूँ, फिर दोबारा इस तरह रख रही हूँ। अब हम इसमें रुमाली कट करेंगे। रुमाली कट करने के लिए सेंटर में हम 7 इंच का टिक लगाएंगे, 8 इंच भी ले सकते हैं हम, और यहां से 2.5 इंच का टिक, यहां से 2.5 इंच का टिक, यानी कि 2.5 2.5। इसके बाद हमें इसे क्रॉस करते हुए मिला लेना है, और यही टेप को इधर क्रॉस करते हुए हमें मिला लेना है। ये हमारी रुमाली हो चुकी है, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा राउंड शेप है। ये हमारी रुमाली कट हो चुकी है इस तरह। इसी तरह हम कंप्लीट कर चुके हैं कटिंग हमारी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।